हे गाइस, माय नेम इज वीरेंद्र सिंह. वेलकम टू द ई लर्नम प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द स्कोर एंड रैंक. आप अपने स्कोर और रैंक को कैसे देख सकते हैं, कि क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भैया रैंक क्या होगा, स्कोर समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है. आप जो है इंजॉय करते रहिए. क्यों? क्योंकि अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है. तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग अब समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. तो चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखिएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है. कैसे कैलकुलेट करना है स्कोर्स को, हम इन सब चीज़ों के लिए देखेंगे. तो अब कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या है क्या नहीं है. चलिए मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूंगा और देखूंगा कि व्हाट शुड बी द कैलकुलेटेड स्कोर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. वेलकम टू द सेशन ई लर्नम वंस अगेन. सो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, मेरे पास एक स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है एक पर्टिकुलर लर्नर का, जिनका जिन्होंने JRF के लिए अप्लाई किया था. यहाँ पे इनका जो स्कोर कार्ड अगर आप देख पा रहे होंगे, तो लेट मी जूम इट. सो दिस इज़ लाइक अलग अलग, कई लोग इसमें भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि क्या पार्ट ए का अलग है, पार्ट बी का अलग है, पार्ट सी का अलग है. नो नो, यू लाइक ये जो अल्टीमेट स्कोर है ना, दिस वन, ये आपका अल्टीमेट है. इसको आपको लेके काम करना है, ठीक है. ये जो है इसको लेके काम करना है. स्कोर कैसे कैलकुलेट किया गया उसके बारे में इन्होंने बात किया. देखिए कैलकुलेटेड कैसे, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द सेशंस विथ अ रॉ और इक्वल टू कहते विथ अ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है. और टोटल नंबर जो अपीयर्ड है वो है पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया हुआ है. सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, एक मज़ेदार सी बात ये बताएंगे आपको कि पिछली बार जो अपीयर हुए नंबर थे लगभग वो था 83,000. लगभग 83,000 लोग अपीयर होते, 83,500 के आसपास था लगभग पिछली बार, ठीक है. 83,500 के आसपास अपीयर होते. इस बार 63, लगभग 20,000 स्टूडेंट जो हैं वो कम हो गए. ऑलमोस्ट 20K स्टूडेंट इस बार ड्रॉप हुए हैं, एग्जाम नहीं दिए हैं ड्यू टू द कोविड एंड ऑल. तो अब सवाल उठता है क्या कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं जी, कट ऑफ ज़्यादा नहीं होने वाला है. मतलब कट ऑफ कम नहीं होने वाला है, कट ऑफ जो है थोड़ा सा बढ़ेगा ही, ठीक है. कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे हम. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं थोड़ा कंपेयर करता हूँ आपको एक आइडिया देने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है ये चीज़, कैसे कैलकुलेट करेंगे रैंक, उसके ऊपर चलेंगे. लेकिन जरा सा इसको कंपैरिजन देखिएगा, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर क्या है ये चीज़. सो लास्ट ईयर 2019 में 123 नंबर पे 99.737 स्कोर था. इस बार ये स्कोर लगभग 127 नंबर पे है. और 123 पे देखोगे तो ये स्कोर 99.3 के आसपास पहुंच गया. मतलब इस बार बच्चों ने परफॉर्म अच्छा खासा किया है. अगर बच्चों ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है तो स्कोर थोड़ा सा या कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है. सो ऑलमोस्ट इस बार 2020 में अगर आप देख रहे हो तो 2020 में 110 नंबर के आसपास 98.58 जो है ये स्कोर आ रहा है लगभग जनरल कैटेगरी में, ठीक है. सो 110 नंबर पे 98.58 यानी 98.6 के आसपास ये नंबर आ रहा है. नाउ अगर 2019 के ऊपर बात करें तो 2019 और 2020 नॉर्मली देखिएगा, 2019 और 2020 के ऊपर कंपेयर करें देखिएगा, ऑलमोस्ट जो कैलकुलेशन किया गया था बेसिकली 123 नंबर पे लगभग ये 218 रैंक, ठीक है, 218 रैंक या समथिंग लाइक दैट. इस 218 लोग इनसे ऊपर जो हैं वो स्कोर किए हुए, ठीक है. और नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इस बार 123 नंबर पे ये मिनिमम रैंक 447 आ रहा है, लगभग डबल के आसपास भाग जा रहा है. मतलब कुछ तो लफड़ा, मतलब काफ़ी अच्छे लोगों ने परफॉर्म किया, इस रेंज में अच्छा खासा नंबर जो है वो आ रहा है, ठीक है. तो कैसे कैलकुलेट किया मैंने ये मिनिमम रैंक, ये रैंक कैसे पता चला, इसके ऊपर इसी फॉर्मूले को आपको मैन्युपुलेट करना होता है. मैंने ऑलरेडी मैन्युपुलेट कर दिया है आपसे, कोई टेंशन की बात नहीं है. ये जो फॉर्मूला दिया है ना, इसी को मैन्युपुलेट करके एक डेरिवेटिव फॉर्म में जो होता है कैलकुलेट करना होता है. तो हाउ स्कोर वर्सेज रैंक को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बेसिकली एक रॉ फॉर्मूला है जिसको कि हमने मैं इसको पूरा का पूरा क्रिस्प फॉर्म में ले आया हूँ कि रैंक, योर मिनिमम रैंक शुड बी 638.92. एक्चुअली ये पर्टिकुलर वैल्यू है 63892 डिवाइडेड बाई 100, जिसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है. सो 638.92 ये जो वैल्यू है इस तरीके से आपका यहाँ पे है. 100 ये वैल्यू रखनी है. इसके बाद ये जो फॉर्मूला आपको देख, रैंक कैलकुलेट करना है मिनिमम 638.92, यानी इसको 639 रख सकते हैं आप रॉ कट करने के लिए. तो 100 माइनस योर स्कोर,
फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि मान लीजिए किसी भी इंसान का, जैसे मैंने बताया 127 मार्क्स पे 99.72 ये स्कोर आ रहा है, और इस पर्टिकुलर केस पे जब देखेंगे तो रैंक क्या होगा, मिनिमम रैंक तो 638.92, 100 माइनस दिस स्कोर, सॉल्व करेंगे तो ये 178 आएगा, यानी मिनिमम रैंक इस इंसान का 178 या इसके आसपास हो सकता है। ठीक है, कई लोगों के नंबर जो है मैच कर रहे होंगे, मैं मतलब वो स्कोर जो है उनको मिल सकता है ऊपर नीचे करके, इट वॉज लाइक इससे ऊपर 178 लोग हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये कहने का ये मतलब है, रैंक का मतलब है कि इनसे ऊपर 178 लोग हैं या 177 लोग हैं, इनका 178वां नंबर मिनिमम आ सकता है, मिनिमम, इट्स नॉट मैक्सिमम कि यही है, तो ये मिनिमम नंबर इतना हो सकता है। अब मैक्सिमम क्या वैरी कर सकता है, क्योंकि कई लोगों के नंबर भी सेम होंगे, कई लोगों के नंबर भी सेम होंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इधर सम पीपल्स जो कि इनके ऊपर भी, क्योंकि कई लोगों के नंबर इस तरीके से रेंज पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने चीज़ को देख सकते हो कि आपसे ऊपर कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के स्कोर कैलकुलेट किए। तो एक रेंज जो आ सकता है इनका, ऑलमोस्ट मैंने एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, एक लगभग लगभग डबल टू दिस स्कोर और उसके भीतर हो सकता है, मतलब अल्टीमेटली एक जनरल कैटेगरी के लिए भैया की 178 वहाँ पोजिशन है जितने लोगों ने इन पर किया हुआ है। तो अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें, 178वां पोजीशन है इनका, अगर एक सौ इसी तरीके से रेंज के ऊपर, मैंने बात किया रेंज के ऊपर अगर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, इट्स नॉट टू लाइक डिफिकल्ट, आप इस तरीके से रेंज मतलब एक मिनिमम रैंक आप अपना देख सकते हैं कि मेरा मिनिमम इतना आ सकता है, इससे ऊपर ही होगा जब भी जो चीज़ आ रही होगी। ठीक है, सो ये रैंक वो नहीं है जो CSIR में फाइनल बताया जाएगा। ठीक है, ये बस मैं आपको आइडिया लगाने के लिए, क्यों, क्योंकि नॉर्मली CSIR में जो सीट होती है ना वो लगभग लगभग 2000 के आसपास होती है CSIR के लिए। कितनी होती है CSIR में लाइफ साइंस के लिए जो सीट होती है, ध्यान दीजिएगा, तो लाइफ साइंस के लिए जो सीट होती है वो कितनी होती है, लगभग लगभग 2000 सब कुछ मिला जुला के, और सिर्फ 2000 में 1000 जनरल की होती है, 1000 जो होती है वो जनरल की कट नॉर्मली पाई जाती है। अब जनरल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये लगभग लगभग 1000 रैंक हम इसको लेके चले कि कितने लोग जो होंगे इस स्कोर से ऊपर पाए जाएंगे। मैंने 1000 रैंक वालों को पकड़ लिया कि कितने लोग इससे ऊपर होंगे। ठीक है, सो 1000 रैंक को पकड़ रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे रैंक रखा, इतना रखा, और स्कोर उसका कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 98.58। और अभी मैंने आपको शुरुआत में ये दिखाया था इस प्रीवियस स्लाइड में कि 98.5 प्लस के लिए 110 नंबर के आसपास ये चीज जा रही है। ठीक है, सो ये जो है एक्चुअल रैंक नहीं है जो CSIR रिजल्ट में आएगा, ये मैं बता रहा हूँ कि इस स्कोर पे इतने लोग इनसे ऊपर हैं, 1000 लोग इनसे ऊपर हैं। ठीक है, इनका पोजीशन हुआ 1000 या 1001 आप मान सकते हो। तो मैं जनरल कैटेगरी के लिए 1000 लेके चल रहा हूँ, बाकी को छोड़ दो। तो जनरल में हमने 1000 लेके देखा 98.5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको यहाँ पे रैंक बताया। ठीक है, अगर समझ में आ गया, आप सीधे अपना स्कोर, अपना रैंक जो है कितने लोग आपसे ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने लोग हैं जो नॉर्मली ये चीज पे बात कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे अगर हम CSIR के ऊपर सीट्स के ऊपर बात करते हैं, तो CSIR जो सीट होता है, जैसा कि आपको बताया, ऑलमोस्ट जो है 2000 JRF को लेता है मैक्सिमम। ठीक है, और ये जो इसमें जो होते हैं 1000 के आसपास जो होते हैं ये आपके जनरल कैटेगरी के होते हैं, और इसमें जो होते हैं लगभग, बाकी को छोड़ दो, बाकी 1000 जो है वो अदर्स की कैटेगरी पे है। तो मैंने इस 1000 को लेके सॉल्व करके आपको बताया, सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप अपने लिए यूज करेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या पता कर सकते हो कि आप किस में आने वाले हो। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो मैंने उसी फॉर्मूले से डिराइव किया हुआ जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, वो उसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कितने लोगों से ऊपर हो, आपका रैंक क्या है, सो दैट योर रैंक शुड बी सिमिलर। अगर हम नॉर्मली अगर बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि हियर रैंक जो यहाँ पे आ रहा था, इट शुड बी कि 638.92 योर 100 माइनस योर स्कोर, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो आपने ये कर लिया, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना कि आप कहाँ पे रिलाई कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, स्कोर हर एक का धीरे 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 इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम इस केस पे बात करें तो 110 नंबर पे इतना आ रहा था जनरल कट ऑफ के लिए, 110 नंबर पे 98.6 है, और 1000 रैंक को लेके चल रहे हैं तो 98.5 जो है हमारा स्कोर आ रहा है, इस स्कोर के ऊपर जो है एक पार स्कोर जैसा समझ में आ रहा है। तो कितने नंबर कट ऑफ जाना चाहिए,
अब बात आती है कि व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया मान लो रैंक के हिसाब से कि इतना इतना रैंक है तो क्या कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि इस बार थोड़ा सा हाई होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है ना वो थोड़ा सा हाई होगा बट नॉट टू मच हाई। थोड़ा सा हाई का मतलब यहाँ पे जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो लगभग 54.5 गया था, ठीक है। 54.5 मतलब 109 नंबर, पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 109 नंबर कट ऑफ जो है वो गया था। इस बार जो कट ऑफ मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिस शुड बी लाइक, अगर परसेंटाइल के हिसाब से ध्यान दीजिएगा तो परसेंटाइल के हिसाब से जो जाने वाला है वो जो जाएगा इट इज लाइक 96 या ऐसा बोल सकते हो 96.5% से इक्वल या ग्रेटर लगभग इसके आसपास जाना चाहिए। जैसा कि हमने 98.6 इसके से ज़्यादा जो जनरल लोग हैं वो आ सकते हैं स्कोर के बेसिस पे, और किसके कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब देखो हर किसी का मेरे हर एक स्कोर पे हर एक नंबर के लिए मेरे पास वो चीज़ डेटा नहीं है, तो मैं इसको नंबर में ट्रांसलेट करूँगा नियर बाय नंबर में। तो ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर नियर बाय नंबर पे जो कट ऑफ जाना चाहिए 110 से लेके 115 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है इसी हिसाब से जाएगा 110 से लेके 115 के आसपास, ठीक है। ये जो है कट ऑफ इस तरीके से रेंज करेगा 110 से 115 के बीच में इस पर्टिकुलर रेंज पे। अगर इस तरीके से कट ऑफ जो है किसके लिए, ये जनरल के लिए रेंज करेगा। नंबर है, मैं मार्क्स बता दे रहा हूँ, आप इस तरीके से देख सकते हो मार्क्स इस जनरल के लिए है। अगर ये जनरल है तो रिस्पेक्टिवली अगर ओबीसी की बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो दे आर लाइक कि ये नॉर्मली जो है आपके ऑलमोस्ट ये 95 to 100 जो है ये जाएगा। एंड फॉर ओबीसी इट शुड बी 92 to 98, ये वेरी करेगा आपके लिए ओबीसी के लिए, ठीक है। एंड फॉर अगर हम बात करते हैं केसेस में एससी एसटी के लिए, कई लोग एससी और एसटी के लिए होंगे, तो एससी के लिए अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे तो ये जो है ऑलमोस्ट 80 to 85 जो जाने वाला है लगभग। और फॉर एसटी इट शुड बी लाइक 75 to 80 लगभग। इट्स नॉट लाइक, ये जो है फिक्स नहीं है कि मैं यही जो होने वाला, जो मेरा अनुमान कहता है जिस तरीके से मैंने एस्टिमेट किया है वो ये कट ऑफ जाने वाला है। अब ऑलमोस्ट अगर आप इससे प्लस हैं, अगर आप 115 प्लस हैं तो बी हैप्पी, यू गाइस आर ओके फॉर जनरल कैटेगरी। जो मैंने एक रेंज दिया है उससे अगर आप प्लस हैं अपने अपने कैटेगरी में, मार्क्स आपका प्लस है, अगर इससे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इस 150 प्लस है, अगर हम नॉर्मल रेंज के ऊपर बात करूं इसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप 100 प्लस है, ओबीसी के लिए 98 या 100 प्लस है, एससी के लिए 85 प्लस है, एनएसटी के लिए 80 प्लस है, तो यू गाइस आर ओके, मतलब अच्छे पोजीशंस पे हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। जो लोग इस बिलो पार हैं या इस रेंज में कर रहे हैं उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा एक्चुअल कट ऑफ के लिए, बिकॉज इट इज़ अ जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इट्स नॉट द एक्चुअल कट ऑफ। सो जो लोग भी इस रेंज पे आ रहे हैं वो लोग अपने आप का इंतजार करें और वेट करें कि CSIR कब करेगा। होप फॉर द बेस्ट गाइस कि एक्चुअल कट ऑफ का वेट करें, इस पे पूरा का पूरा रिलाई मत करिएगा, बट हाँ ऑलमोस्ट यही चीज़ होने वाली है, आप जब कट ऑफ आएगा तो आपको डिसाइड कर दिया जाएगा। सो कैलकुलेट करिए इस तरीके से अपना चीजें, और नहीं कर सकते तो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात कर दिया है, कितने रैंक पे आप रिलाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये स्कोर का मतलब है जब आप रैंक देखते हैं तो इतने लोग आपसे ऊपर हैं वो ये बता रहा है, और ऑलमोस्ट इस तरीके से चीजें कट ऑफ जाने वाली है। सो होप यू गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कोई भी अगर आपको टेंशन हो रही है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कमेंट करना है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और शेयर करिए इस वीडियो को जितना कर सकते हैं ताकि हर कोई समझ सके कि स्कोर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।